जी बहुत बहुत नमस्कार। मैं जसवीर सिंह, जिला पार्षद पंचारी मोगली, जिला विकास परिषद उधमपुर। आज मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ऐसा इशू है, बर्निंग टॉपिक है, काफ़ी कम चर्चा होती है। अगर जेएनके के तौर पर हम इसको देखें, ज़रूरत है कि हम इसको ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं, वेरियस गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको इसमें शामिल करें, डिबेट हो, डिस्कशन हो, एक बेटर पॉलिसी निकल के सामने आए। क्योंकि इसके जो जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट अब हमें सामने देखने में मिल रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज जहाँ तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने के कगार पे हैं, स्नोफॉल कम हुआ है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और जेएनके की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी जो है जिस तरीके से यहाँ हम लोकेटेड हैं, डेफिनेटली इन चीज़ों का असर हम पे पड़ना है। तो टाइम आ गया है कि हम इस पे आगे बढ़ के काम करें और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, यूटी लेवल पे एक अच्छा कुछ अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, इस पे इसको हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं, रोज़मर्रा की डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। और खास करके एलजी साहब बहुत इनिशिएटिव लेते रहते हैं, उनसे मेरा सीधा निवेदन है कि इस मसले पे कोई व्यापक फ्रेमवर्क जो है वो जरूर कराएं, और जेएनके में भी इस मसले पे वेरियस कॉन्फ्रेंस जो है मुझे लगता है कि आयोजित की जानी चाहिए, ताकि क्योंकि ये लाइफलाइन से जुड़ा हुआ इशू है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन का, तो बेटर तरीके से काम हो, बेटर तरीके से हम चैनलाइज करें, एक बेटर यूथ पॉलिसी के जरिए यूथ को चैनलाइज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अपना योगदान दें। और प्राइम मिनिस्टर का जो कमिटमेंट है दुनिया को कि हम टाइम पे एसडीजीज को अटेन करेंगे या टाइम से पहले कुछ गोल्स को हम अटेन करेंगे और डेफिनेटली दुनिया के लिए काम करेंगे, बेटर प्लानट के लिए काम करेंगे, तो उसको भी पूरा करने में इस लोकल एक्शन के जरिए नेशनल जो हमारा टारगेट है प्लस जो ग्लोबल टारगेट है हमारा एज ए जो है ह्यूमैनिटी के तौर पर, तो उसको हम अटेन करने में सक्सेसफुल हों, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक नई शुरुआत करें।